उजेंड ट्वेंटी टू लेटसड जी के आंसर है अरावली रेंज की हाइएस्ट पीक है गुरु शिखर जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में रॉक फॉसल्स मिलते हैं माउंट एलब्रुस हाइएस्ट माउंटेन है यूरोप का लार्जेस्ट कोरल रीफ इन दर्ल्ड है ग्रेट बैरियर रीफ अराउंड थर्टी फाइव ग्राम सॉल्ट इन ईच लीटर होता है एवरेज सेलिनिटी ऑफ सी वाटर। माउंट एवरेस्ट सागर माथा का दूसरा नाम है आज के सवाल हैं इन विच स्टेट इज द बेतला नेशनल पार्क सिचुएटेड इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट कलिंग प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड

फैलिस का मतलब होता है मिसकनसेप्शन अस्टेकन बिलीफ एस्पेशन बेस्ड ऑन एन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट ट्रंकेट का मतलब होता है काट छाट शॉर्ट एंड द ड्यूरेशन और एक्सटेंट ऑफ एजिस एजिस का मतलब होता है संरक्षण द प्रोटेक्शन बैकिंग और सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बाइगॉन एरा मतलब पुराना बिलोंगिंग टू एन अर्लियर टाइम सो so, ये वो वर्ड्स हैं आज के लिए इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज नाइन्थ ऑफ मार्च है आज हम ये दोनों सवालों पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे सी राइट समथिंग एवरी डे एटलीस्ट राइट वन आंसर एवरी डे इससे आपकी जो स्टडीज है वो डिसिप्लिन रहेगी और राइट ट्रैक पे रहेगी सो दिस विल हेल्प यू अलॉट राइट समथिंग एवरी डे सिमिलरली टेलीग्राम में एवरी डे वी आर हैविंग टेन क्विज उन एम को भी डेली सॉल्व करने का ट्राई करें इससे भी एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन आएगा और ये अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको बहुत बेनिफिट करेगा सो so, ये द हिंदू है वेंसडे नाइन मार्च 2022 आज हम देखेंगे यूक्रेन ड्रॉप्स पिच फॉर नाटो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अमेंडमेंट है लैंड पूलिंग मैंडेटरी विमेन सीक रेगुलर जॉब्स रेस्पेक्टेबल वेजेस इन हार्मनी देन पैडल पावर एम ई आई एल एडिटोरियल में क्लियर सिग्नल्स है यूक्रेन क्राइसिस पे, रिवाइव करें टैक्स इंक्रीज, टोबैको ग्लोबल स्टैग का रिस्क बना हुआ है ये मुगल आर्किटेक्चर है चाइना ने क्या जीता क्या गेन किया यूक्रेन क्राइसिस से स्ट्रगल फॉर चाइना वेरसिटी स्टूडेंट्स ईरानी प्लेजेज सपोर्ट फॉर पुलिस वेमेन मिनिस्ट्री वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल रिवॉल्यूशन टेक्स टाइम एंड मिस्टर शी एंड बाइडन यूक्रेन क्राइसिस के अपडेट्स हैं और बिजनेस में अपन यूक्रेन क्राइसिस के कारण बिजनेस में क्या इम्पैक्ट हो रहा है विल गेट टू नो देन आज एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इसको अच्छे से देखना है एंड द रूल्स अराउंड गार्डियनशिप ऑफ माइनर्स गेटिंग बैक होम सेफली सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स सो सी फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है यूक्रेन ड्रॉप्स पिच फॉर नाटो नाटो तो यूक्रेन नाटो में मिलना चाहता है रशिया जो इन्वेजन किया रशिया का जो डिफिकल्टी रशिया ने बताया कि अगर यूक्रेन नाटो में मिलेगा तो रशिया के लिए डिफिकल्टी होगा सो so दैट इज़ वाई रशिया का जो पूरा ऑपरेशन है वो इसी के अगेंस्ट है यूक्रेन ड्रॉप्स पिच फॉर नाटो ऑल्दो ना नाटो इतना ईगरनेस दिखा नहीं रहा है यूक्रेन को इन्वॉल्व करने के लिए बिकॉज द अलायंस इज अफ्रेड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सियल थिंग्स एंड कन्फ्रंटेशन विद रशिया डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद रशिया से होगा नाटो का और इसके फिर ग्लोबल रैमिफिकेशन होंगे तो इस चीज को अवॉइड करने का कोशिश है ये मीन वायल रेस्क्यू मिशन है यूक्रेनियन सोल्जर्स सिविलियन बाइडन बैंस रशियन ऑयल इम्पोर्ट रशिया पे सेंशन लग रहे हैं इकोनॉमिक एंड ऑल सॉर्ट ऑफ सेंक्शन मीन वायल जेलेंसकी का कॉल था हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर आस्क दम टू ब्रिंक दिस वॉर टू एन एंड बट वर्ड्स आर नॉट इनफ एन एक्शन इज नेसरी सो यूक्रेन में जो ह्यूमेनिटेरियन क्राइसिस है वी आर अवेयर ऑफ दैट और इस ह्यूमेनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करना जरूरी है सो दिस इज़ यूक्रेन ड्रॉप पिच फॉर नाटो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं रिज्यूम हुआ फ्रॉम मार्च ट्वेंटी सेवन सो दिस इज़ गुड न्यूज़ समर ट्रेवल सीजन भी है कुड ब्रिंग मोर फेयर्स तो पिछले कुछ टाइम से कोविड नाइन्टीन जब से आया इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन हो गई थी इसके कारण जो फ्लाइट सेक्टर है एविएशन सेक्टर है एविएशन सेक्टर में ह्यूज लॉसेस हुए ह्यूज लॉसेस एविएशन जो टूरिज्म होता है ये सर्विस सेक्टर इकोनॉमी होता है इसमें भी हैवी लॉसेस हुए हैं सो द पॉइंट इज नॉर्मल सी आ रही है कोविड का थ्रेट अब कम दिख रहा है तो इकोनॉमिक रिकवरी के चांसेस हैं इससे इम्पैक्ट्स मिलेगा इकोनॉमिक रिकवरी को सेक्टर की ओपन होगा टूरिस्ट के लिए और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी ओपन होंगे सो दिस इज गुड ये दो की याद रखने हैं एक तो वंदे भारत फ्लाइट थी वंदे भारत क्या है जैसे ऑपरेशन गंगा चल रहा है अभी ऐसे ही वंदे भारत ऑपरेशन था जो इंडियन स्टैंडर्ड है अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू ट्रैवल कर्ब्स इन द वेक ऑफ कोविड 19 उनको वापस लाने के लिए वंदे भारत फ्लाइट्स हुई थी ओके okay? सो so, एक ये टर्म है और दूसरा एयर बबल अग्रीमेंट होता है रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैरी की गई थी एयर बबल सो हिटिंग एन एयर पॉकेट अब फ्लाइट्स वापस रिज्यूम होगी फ्रॉम गवर्नमेंट को कोई project बनाना है या roads बनानी है, या बनानी डेवलपमेंट इंफ्रा करना है सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है एक तो आती है लैंड एक्विजिशन के लिए इसके ऊपर एक बार पहले भी एक बार बिल आया था बट वो बिल फिर रोल बैक हो गया ये चीज बहुत टाइम से चल रही है अर्बन डेवलपमेंट भी करना होता है तो वहाँ पे भी लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत होती है तो दिस इज़ अगेन वन न्यूज़ इन डेवलपमेंट अभी प्रपोजल्स हैं प्रपोज हैं अभी इसमें टाइम लगेगा आने में बट इसको अपन ट्रैक करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर्सेज लैंड एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी क्या हो कई बार क्या होता है लैंड तो ले लेती है सरकार लैंड एक्विजिशन हो जाता है बट वहाँ पे प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो रहे हैं फॉर इयर्स एंड इयर्स प्रोजेक्ट हो ही नहीं रहे तो उससे क्या होता है वेस्टेज होता है कई बार कंपनसेशन करेक्ट नहीं मिलता तो इससे बहुत कंट्रोवर्सी होती है लैंड एक्विजिशन से सो दिस इज गुड लैंड पुलिंग वगैरह ऐसा प्रोसेस हो रहा है स्पेशली जैसे दिल्ली बड़े शहरों में दिस इज अगेन गुड न्यूज इसको अपन आगे और फॉलो करेंगे तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू नेक्स्ट है विमेन सीक रेगुलर जॉब्स रेस्पेक्टेबल वेजेस आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स होल्ड प्रोटेस्ट रैलीज इन हरियाणा इंड दिल्ली सो सी दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग्स रेगुलर जॉब्स हो रेस्पेक्टेबल वेजेस हो कल ही हमने पढ़ा था फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइज वर्क फोर्स में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों लाना जरूरी है दिस इज इन हारमनी ये दिल्ली वेमेन पुलिस है परफॉर्मिंग बैक पाइप बैंड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वेमेन डे इंटरनेशनल वेमेन डे का थीम क्या है कल ही हमने पढ़ा था ना वॉट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वेमेन्स डे तो दिस इज इन हार्मनी सो दिस इज द सेकेंड पेज अब जो नेक्स्ट है वो है पैडल पावर नाउ एट दिस इंटरनेशनल वेमेंस डे में वेमेन कायाकिंग टीम रो अलोंग द चलियार एट केरला केरला में एक बैक वाटर्स भी होते हैं बहुत बैक वाटर्स बैक वाटर्स क्या होते हैं स्टेडी रहते हैं यहाँ पे फ्लो नहीं होता ज़्यादा फ्लो नहीं होता तो यहाँ पे बोट रेस जैसी चीज़ें बहुत होती है बोट रेस बोट रेस ब्लैक बैक वाटर बैक वाटर क्या होता है वो डायरेक्ट करंट जैसे ओशन है उसके डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है थोड़ा सा डिसकनेक्टेड है वो स्लाइटली तो वहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो बहुत कम होता है स्टेगनेंट टाइप वाटर नज़र आता है तो दिस इज़ बैक वाटर तो केरला में इसीलिए बोट रेस भी बहुत होती है ये कायाकिंग टीम है एम ई आई एल ने डिलीवर किया टेन ड्रेनिंग ड्रिलिंग रिग्स टू ओ एन जी सी तो ये इस तरीके से ओ एन जी सी को ड्रिलिंग रिग्स ड्रिलिंग रिग्स सप्लाई किया डिलीवर किया मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने तो दिस इज़ गुड इंडिजिनस है ये ऑयल हम एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं अभी रशिया का क्राइसिस हुआ है तो ऑयल बहुत महंगा हो रहा है क्रूड ऑयल इट इज़ गुड कि अगर, अगर अपन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन पैरिफरी में अपने बाउंड्रीज के अंदर इस तरीके से ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करें और उसको सक्सेसफुली इकोनॉमिकली डिग आउट करें ये जो है ना ये कृष्णा गोदावरी बेसिन पे है के जी ब्लॉक सवाल आया था नेचुरल गैसेस के लिए डी सिक्स ब्लॉक यहाँ पे रिजर्वॉयर्स हैं सो दिस इज देयर अब एडिटोरियल पे आते हैं दिस इज क्लियर सिग्नल्स इंडिया एंड चाइना मस्ट टेक ऑन बोर्ड ग्लोबल करेंट्स दैट कुड रीशेप टाइज अपसी यहाँ एक बात है कि जैसा वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है जैसा यूएस की पॉलिसी भी है जैसे यूक्रेन को अननेसेसरी बिढ़ा दिया रशिया से नाटो ग्रुप ने ये जो यूक्रेन क्राइसिस है ना इसमें ये जो नाटो ग्रुप है ये इतना भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है यहाँ पे इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके उसका भी एज अ रिजल्ट ये यूक्रेन क्राइसिस हुआ है सो द पॉइंट इज यहाँ इंडिया को भी अपने इंडिपेंडेंस अपनी सोवर्निटी और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलना चाहिए इंडिया ने जैसे हमने पहले देखा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया ने कभी भी साइड्स नहीं लिए इंडिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सोवरेन रहेगा तो सिमिलरली जैसे चाइना और यूएसए का जो फाइट है इंडिया को भी इसमें अननेसेसरी ऐसे साइड्स लेने का या फिर इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं है इंडिया और चाइना की सेपरेट इक्वेशन है इंडिया और यूएसए की सेपरेट इक्वेशन है इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए

ओके okay, सो so ये फर्स्ट इटरेशन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएस एस क्वाड तो बीजिंग बीजिंग ने कहा कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि एशियन नाटो बनता जा रहा है एशियन नाटो इंडिया ने ऑल इसको मना किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने भी क्लियर कट वर्ड्स में बोला दिस इज़ नॉट राइट इंडिया और जो यूएस के रिलेशन है वो भी म्यूचुअली बेनिफिशियल जो टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग है और जो क्वाड है वो डेफिनेटली मिलिट्री अलायंस तो नहीं है वाई एल क्लेमिंग टू स्टे न्यूट्रल इट इज मूव टू रीअफॉर्म टाइज विद रशिया विच बीजिंग ऑन मनडे डिस्क्राइब एज रॉक सॉलिड अब सिमिलरली जो अभी यूक्रेन थिएटर थे, में हो रहा है रशिया को जितना कॉर्नर किया जाएगा ना ये चीज जर्मनी के नेवल चीफ ने भी कहा था ऑल दो इसके लिए उन्हें फिर रिजाइन करना पड़ गया बट रशिया को जितना कॉर्नर किया जाएगा रशिया उतना ही क्लोज होता जाएगा चाइना से और फिर एक ये दूसरा एक्सेस डेवलप होगा जो वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा तो दिस इज देयर नो लुक एट द लैंग्वेज ऑफ चाइना चाइना ने अपना स्टेट मीडिया भी भेजा है रशिया यूक्रेन में जो यूक्रेन और जो रशियन वर्जन को बताने की कोशिश कर रहा है पूरे इन्वेजन को तो सी रॉक सॉलिड यहाँ पे चॉइस ऑफ वर्ड्स यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पे भी जब सवाल होते हैं बियॉन्ड देयर ऑलरेडी डीप पॉलिटिकल इकोनॉमिक लिंकेजेस ज आर इमर्जिंग एज अ पावरफुल बाइंडिंग ग्लू इन द चाइना रशिया एक्सेस चाइना रशिया एक्सेस तो न्यू दिल्ली को इसको केयरफुली वॉच करना जरूरी है चाइना का जो ब्लेम आया कि ये एशियन नाटो है क्वॉड तो उसके लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा यह एक लेजी एनोलॉजी है ऑफ एन एशियन नाटो इट इज़ नॉट लाइक दैट जो क्वाड है ये एक इकोनॉमिक ज़्यादा है यहाँ पे इकोनॉमिक टाइज एटसेट्रा इट इज़ नॉट मिलिट्री अलायंस अब एल का टेंशन हुआ 2020 में इसके बाद से चाइना के साथ हमारे टेंशन बढ़े हैं और यूएस मीन वाइल यहाँ पे ज़्यादा इंडिया के क्लोज आता जा रहा है तो ये जो पूरा इक्वेशन है ना इसमें इंडिया को बहुत केयरफुली वर्क करना ज़रूरी है इंडिया और चाइना कंटिन्यू टू सी का मच नीडेड मोडस वे

सो दैट इज वाई इंडिया को और चाइना को भी दोनों को बहुत केयरफुली यहाँ पे क्लियर सिग्नल्स जो है रीशेप करना चाहिए अपने टाइज को ग्लोबल स्टैगफ्लेशन का रिस्क है अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंडिया विल हैव टू कट फ्यूल टैक्सेस ऑन रिस्क बोथ फास्टर इन्फ्लेशन एंड स्लोवर ग्रोथ ऑलरेडी अपना प्रॉब्लम चल रहा था बिकॉज ऑफ कोविड नाइनटीन और अब हो गया गरीबी में आटा गीला होना इसका क्या मतलब होता है अभी ऑलरेडी इकोनॉमी डिफिकल्टी में थी इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6.03 परसेंट था और अब यूक्रेन क्राइसिस हो गया यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो क्रूड का ऑयल देखो डॉलर हंड्रेड क्रॉस हो गया ऐसा माना जा रहा है ये वन डॉलर तक जा सकता है रुपी ऑलरेडी अस्सी क्रॉस हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो ऑलरेडी हमारे को बहुत डिफिकल्टी होने वाली है तो कॉस्ट ऑफ़ द कॉन्फ्लिक्ट ईस्टर्न यूरोप थिएटर में जो हुआ इसने स्टॉल कर दिया है शे की ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक तो ट्रबल्स हैं रशिया के ऊपर जो सेंक्शंस लग रहे हैं सिक्सटी परसेंट से ज्यादा जो डॉलर है सिंस द स्टार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये प्लंज हुआ है वॉर लेड डिस्टरपशन के कारण सप्लाई प्रॉब्लम्स हैं सेंकशंस के कारण कॉमोडिटी प्राइस बढ़ेगी जैसे कि व्हीट कॉर्न मेटल निकल अलूमिनियम क्रूड ऑयल एंड गैस ये सब महंगा होने वाला है ये सब महंगा होने वाला है रशिया की जो सप्लाई है यूरोप को तो 40 परसेंट ऑफ गैस जो यूरोप की है वो रशिया से आती है अब अगर रशिया पे सेंक्शंस लगेंगे तो ये सप्लाई कट होगा ओल्ड का नीड्स कट होगा तो मतलब यूरोप को भी बहुत डिफिकल्टी फेस होगा आज की डेट में जो पूरा वर्ल्ड है ये इंटरकनेक्टेड है रशिया को जस्ट लाइक दैट अगर आप इस वर्ल्ड से हटा देते हो तो वर्ल्ड में बहुत सीवियर रिपरकशंस आएंगे इसके इंडियाज पॉलिसी मेकर फेस अ टफ चॉइस बीयर द कॉस्ट ऑफ लोअर रेवेन्यू बाय कटिंग फ्यूल टैक्सेस या फिर रिस्क फास्टर इन्फ्लेशन एंड स्लोवर ग्रोथ तो सरकार को अपनी इनकम जो है रेवेन्यू है उसको कट करना पड़ेगा अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाएंगे ना फ्यूल का तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ग्रोथ रेट डिफिकल्ट हो जाएगी तो ये यह यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है तो इससे क्या होगा स्टैग जैसी सिचुएशन आएगी अब देखो ये जो टॉपिक है ना इन्फ्लेशन ये साल भर हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन हमेशा से आरबीआई गवर्नर के हर स्पीच में इन्फ्लेशन आता ही है तो लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन द रोल एंड मैंडेट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी और एक्सप्लेन करें की लाइक इन्फ्लेशन क्या होता है डिप्लेशन क्या होता है स्टैगफ्लेशन क्या होता है इन कीवर्ड्स को बताना है और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को एक्सप्लेन करना है ओके ग्लोबल स्टैगफ्लेशन रिस्क अब पॉइग्नेट रिफ्लेक्शंस दैट स्ट्रेच अ वॉर्स कैनवस यहां बहुत पॉइनेंट मतलब एक थोड़ा गंभीर तरीके से अपन सोचें इंट्रोस्पेक्शन सोचें इंट्रोस्पेक्शन करें इस वॉर से क्या हो रहा है थाउजेंड्स थाउजेंड्स एंड ऑफ लॉस्ट कितने इंडियन इंडियन स्टूडेंट्स और का और का डिफिकल्टी प्लाइट हमने देखा पूरा वर्ल्ड अभी कोविड से रिकवर हुआ नहीं है फिर से इकॉनमी लॉस होगा जॉब लॉसिस होगा क्राइसिस होगा लाइफ लॉस होगा डिस्टर्बेंसेज होंगे सो द पॉइंट इज एक पॉइनेंट रिफ्लेक्शन यहाँ पे जरूरी है इस पूरे आर्टिकल में प्राइमरली यही बात किया है कि वर्ल्ड जिस तरीके से इंटरकनेक्टेड है एक एक एरिया इम्पैक्ट होता है तो उसका रिजल्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है द पॉइंट इज अगर इधर रशिया यूक्रेन क्राइसिस अगर ज़्यादा और एस्केलेट होता है या लॉन्गर चलता है ये क्राइसिस इसके पूरे वर्ल्ड में सीवियर रिपरकशन एंड कॉन्सिक्वेंस होंगे सो द पॉइंट इज पॉइगनेट रिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड यहाँ जो आर्टिकल है वो प्राइमरली एक ही बात करता है कि जो टोबैको है टोबैको टोबैको मतलब होता है तम्बाकू टोबैको जो होता है इसको सिन गुड भी कहा जाता है सिन गुड सिन गुड रिवाइव टैक्स इनक्रीज स्टब आउट टोबैको प्रोडक्ट यूज अब बात ये होती है कि जो चीज़ सिन गुड जो होता है ना उसमें टैक्स ज्यादा लगाया जाता है ताकि उसको हम डिस्करेज भी कर रहे हैं कि ये चीज़ ज्यादा यूज नहीं करना है बिकॉज टोबैको इज कैंसरस सो द पॉइंट इज सरकार इस पर टैक्सेशन ज्यादा बढ़ाए टोबैको पे और टोबैको के यूज को डिसक्रेज किया जाए जीएसटी में भी इसके में ज़्यादा टैक्सेशन यहाँ पे हो तो इससे दो फायदे होंगे सिन गुड्स पे टैक्सेशन का पहला फ़ायदा होता है कि इसको हम डिस्करेज कर रहे हैं हम इसको एनकरेज नहीं कर रहे हैं टोबैको के यूज़ को सिमिलरली आप देखो सिगरेट पे कितना ज़्यादा टैक्सेस लगाता है बिकॉज सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ सो द पॉइंट इज टोबैको सिगरेट लिकर इन पे टैक्सेस बढ़ाएं एट द सेम टाइम जीएसटी एस रिजीम में अगर इसको प्रॉपरली हम यूज़ करते हैं तो इससे इनकम भी बहुत अच्छी होगी रेवेन्यू बहुत होगा तो ये दो चीजें यहां पे बोला गया है प्राइमरली यही दो चीजें डिबंकिंग एन अर्बन मेथ अबाउट ताजमहल बहुत सारी जो चीजें होती है ना वो ऐसे ही मतलब रूमर्स होते हैं वो एक्चुअली कोई बेसिस होता नहीं है जैसे देर आर नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू प्रूव दैट द हैंड्स ऑफ वर्कर्स टू बी चॉप्ड ऑफ ये मतलब दिस इज नॉट राइट ऐसा ये केवल रूमर्स हैं ये सो डिबंकिंग एन अर्बन मेथ अबाउट ताजमहल प्राइमरली यहां पे ताजमहल के बारे में बताया है ताजमहल इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल सेवनटेंथ सेंचुरी में बना था मुगल जो आर्किटेक्टर है इसका ये प्राइम एग्जाम्पल माना जाता है प्राइम जेनित था ये पिनाकल था ताजमहल मुगल जो है ना जैसे ताजमहल है अब प्रोग्रेस भी ग्रेजुअली होती है ताजमहल का प्रिकर्सर किसको कहा जाता है आंसर ताजमहल पहला नहीं है इससे पहले एक प्रिकर्सर बना था ट्रायल और फिर ताजमहल बना तो व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ ताजमहल सेकंड हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं और वो है मुगल आर्किटेक्चर का जो इंडियन आर्किटेक्चर है ना इंडियन आर्किटेक्चर में एक फेज़ आता है जब दिल्ली सल्तनत आती है तो इसमें क्या होता है इंडो इस्लामिक आर्ट फॉर्म डेवलप होना चालू होता है जो कुछ प्रैक्टिसेस जैसे शिप जैसे कुछ इंडियन आर्किटेक्चर की प्रैक्टिसेस आ गई आर्क आ गया आर्क दिल्ली सल्तनत में आया मिनार्टस आने लग गई यूज ऑफ कैलीग्राफी हो गया है ना तो ये सब चीजें क्या हुआ ये मिक्स फॉर्म बना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का सो so, इसमें भी इंडो इस्लामिक में भी जो मुगल आर्किटेक्चर है ना ये पेनाकल रहा है पेनाकल रहा है सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द मुगल आर्किटेक्चर इसमें फाइन आर्ट्स की एक किताब है एनसीआर बहुत अच्छी किताब है, है इसका वीडियो भी है वेन यू गेट टाइम आप उस वीडियो को भी देख सकते हो मुगल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए जैसे चार बाग होता है यहाँ पे इधर एक बाग वाटर का बड़ा अच्छा यूटिलाइजेशन होता है थिंक लाइक दिस मुगल आर्किटेक्चर पर एक नोट बनाइए दिस इज हाई एल्डिंग और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी बताइएगा जैसे किलेट बनाया उन्होंने फतेहपुर सीकरी का एग्जाम्पल दे सकते हैं रेड फोर्ट का दे सकते हैं ताजमहल है ताज लाइक दैट like और आइडेंटिफाई इट्स की एलिमेंट तो दिस इज अगेन वेरी हाई एल्डिंग ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ओके चाइना टेक अवेज फ्रॉम द वॉर यूक्रेन जो क्राइसिस में अगर कोई एक विनर है ना तो वो है चाइना दो फायदे हुए चाइना को वर्ल्ड का फोकस अब चाइना से हट गया वरना पूरा वर्ल्ड दिन भर बस चाइना के पीछे पड़ा था अब जो सेकेंड जो हो गया वो फोकस अब चला गया यूक्रेन एंड रशिया पे तो दिस इज एडवांटेज चाइना सेकेंड रशिया अब एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन रहा है चाइना का तो अगेन एडवांटेज चाइना सो ये जो पूरा वॉर हुआ है ना दिस इज एडवांटेज चाइना देन स्ट्रगल फॉर चाइना वेरसिटी स्टूडेंट्स वेरसिटी मतलब एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटीज कोविड के कारण भी स्टूडेंट्स वापस आ गए अब वो वापस चाइना जा नहीं पा रहे सिमिलर क्राइसिस यूक्रेन में भी जो हुआ है तो अब ये स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है कि कब ये क्राइसिस एंड होगा कॉलेजेस कब ओपन होंगे लाइक दैट इंडिया चाइना टू होल्ड फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स यहाँ पे यूनियन वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने सपोर्ट किया फॉर पुलिस वेमेन प्लेजेस किए यहाँ पे सोशल रिवोल्यूशन टेक्स टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज बाइडन पैंस रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स टू यू एस एयल इम्पोर्ट अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रशियन ऑयल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रशियन ऑयल अगर हट गया जैसे आज ही एक न्यूज़ आ रहा था मॉर्निंग में सऊदी और यू ए ने बाइडन से जो बात था कि ऑयल को रशिया को कैसे बॉयकॉट करें उसमें इतना सपोर्ट नहीं दिखाया है सो द पॉइंट इज़ ये सैक्शनस का भी फ्यूचर क्या होगा वी डोंट नो लेट एस सी शी अर्ज इज रिस्ट्रेंड ऑन यूक्रेन इन कॉल विद मैक्रॉन एंड स्टोल्स दैन दिस इज ऑयल प्राइस इंक्रीज होगा सर्टेनली और इसका इम्पैक्ट इकॉनमी में आना है दिस इज द प्राइमरी रीजन अभी इकोनॉमी में इतनी अनसर्टेनिटी है ना जस्ट कवर द बेसिक्स वोकेबलरीरी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट और रिपोर्ट्स में ज्यादा नहीं जाना इनका कोई शेल्फ लाइफ नहीं है गवर्नमेंट एग्जामिनिंग इफ देर आर ऑल्टरनेट सोर्सेस फ्राम वेयर इंडिया कैन गेट क्रूड तो ये बात है लेटे सी ब्रांड क्रूड सर्ज हो रहा है रशियन ऑयल इंपोर्ट क्योंकि बैन हो गया 200 डॉलर तक जा सकता है गवर्नमेंट में मल ओवर पे ऑप्शन फॉर एक्सपोर्ट्स कैश ट्रांसफर वगैरह कैसे करेंगे वॉर डिमांड है टू एंश्योर स्टील प्राइसेस राइज हो रहा है स्टील मिनिस्ट्री ने बताया स्टील मिंट देन वॉर्स का इम्पैक्ट क्रेडिट मार्केट में लिमिटेड है लेटर इससे ना एक और लेसन है जो ये पूरा क्राइसिस हो रहा है ना वो लेसन ये है इंडिया को भी इंडिपेंडेंट बनना चाहिए जैसे हमारा जो रुपये है रुपए को एनकरेज करो वीज़ा मास्टर ने कितना हमको फोक प्रेशराइज़ किया था कि हम रुपए को इतना क्यों इनक्रेज करें ये अच्छा चीज़ था रुपए को एनकरेज करो बिकॉज दिस इज़ इंडियन ये हमारी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है इन वीज़ा एंड मास्टर सो दिस इज़ गुड सिमिलरली जैसा अपना यू पी इनेबल्ड है दिस इज़ रियली रियली नाइस एन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इससे सवाल आएगा इसको अपन अपने जीएस रिविजन क्लास में अच्छे से देखा था उसको रिवाइज करना है एनपीसीआई पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब सिमिलरली हमें डिफेंस में भी इंडिपेंडेंट सोवेरन बनने की जरूरत है डिफेंस में डायमंड इंडस्ट्री में लूज शीन ऑन कॉन्फ्लिक्ट बट मे तक जब यू ए अग्रीमेंट हो जाएगा तो डायमंड एक्सपोर्ट में बेनिफिट होगा हमें अब ये स्पोर्ट्स है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब ने दिया इंटरनेशनल वीमेंस डे एक्सेप्शनल वर्क टूवर्ड्स वुमेन एम्पावर एंड मार्जिनलाइज तो ये नारी शक्ति पुरस्कार है इन इनिशियटिव है यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है पढ़ते हैं ना कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है आंसर कैटालिस्ट सो so, दिस इज नारी शक्ति पुरस्कार इंडियन सेलर इवैकुएटेड शुगर का एक्सपोर्ट यूक्रेन को एड एंड इथियोपियन सिविलियन सी जहाँ भी वॉर होता है सिविलियंस जो होते हैं दे पे द प्राइस इथियोपिया में भी टिगरे रिबेल जो नॉर्दर्न इथियोपिया है वहाँ पे ये डिफिकल्टी था अब आज हम देखते हैं द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफिस ऑफ द गवर्नर में जो बेसिक्स हैं उसके लिए मैंने कुछ बहुत अच्छी पी डी एफ टेलीग्राम में शेयर की थी हैलो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन गवर्नर का क्या होता है क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल का करंट अफेयर्स देखे ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहा है वो हुआ है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का रिलेशन गवर्नर चीफ मिनिस्टर का रिलेशन जो फाइट होती है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पोस्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए बिकॉज इससे बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी डेवलप हुआ है ये कुछ पाँच छः पी हैं इनको एक बार आप टेलीग्राम में देखना ये बहुत अच्छा सोर्स है रिविजन का फॉर दिस प्रेसिडेंट गवर्नर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर लाइक दैट यहाँ जो बात है प्राइमरली यही चीज एक्सप्लेन किया है कि गवर्नर की जो पोस्ट बनाई गई आज सुबह मॉर्निंग टेलीग्राम क्विज में भी था 1935 में क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी टाइप एक चीज़ बन गया कि एक सेंटर ने अपना पर्सन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स में बैठा दिया दैट इज गवर्नर अब ये गवर्नर सेंटर से डायरेक्शन ले रहा है अब कॉन्फ्लिक्ट होता है बिकॉज एक चीफ मिनिस्टर है जो जिसको राज्य के लोगों ने चुना है और सेंटर ने फिर एक गवर्नर बैठा है तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों की पावर्स को कैसे बैलेंस किया जाए ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब तो बहुत बड़ा मुद्दा बना था आर्टिकल 131 जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का उसने बोला था इलेक्टेड गवर्नर हो या गवर्नर अपॉइंटेड हो तो हमने गवर्नर अपॉइंटेड रखा क्योंकि इलेक्टेड होता तो बहुत ज़्यादा क्लैश हो जाता चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में तो इस तरीके से हुआ प्रोविज़न ये हुआ कि जो है एनी रोल ऑफ़ द लेजिस्टिव असेंबली में मतलब हमारे यहाँ अपॉइंटेड गवर्नर होता है इलेक्टेड गवर्नर नहीं होता गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में हमेशा असल चलता रहता है कई बार आप देखो एक गवर्नमेंट है सेंटर में वो गवर्नर गवर्नमेंट अगर चेंज हुई नई गवर्नमेंट आएगी वो क्विकली से बहुत सारे गवर्नर को चेंज कर दिया उसने तो मतलब गवर्नर की पोस्ट काइंड ऑफ मर्सी पर चल रही है फ्राम सेंट्रल गवर्नमेंट दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया एक्चुअली तीन चार कमीशन हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली काम किया है गवर्नर की पोस्ट पे शुरुआत में तो अंबेडकर साहब ने भी यही बोला था कि गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो फंक्शन विच ही कैन डिस्चार्ज बाय हिमसेल्फ तो तभी डी जूर बोलते हैं और डी फैक्टो बोलते हैं नो फंक्शन एट ऑल वैल ही हैज़ नो फंक्शन ही, ही सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म तो मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश किया था अंबेडकर साहब ने शुरू में ये कहा था बट फिर बाद में क्या होता है जो गवर्नर की पोस्ट है इसका पॉलिटिकल मोटिव्स भी होते हैं एट टाइम्स सो इससे डिसबैलेंस क्रिएट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है अब इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए दो तीन कमीशंस आए जिनके नाम याद रखने हैं एक तो बी आर बम्बाई था सुप्रीम कोर्ट जज और एस आर बम्बाई केस में बताया कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर की इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल शेल बी कन्फाइंड ओनली टू द ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एक बार क्या होता है जैसे आर्टिकल इमरजेंसी तीन हो गया तीन और तीन इधर प्रेसिडेंट रूल होता है काइंड ऑफ स्टेट में इमरजेंसी लग गई अब पहले क्या होता था जस्ट लाइक दैट प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था तो एस आर बोम्बाई केस में बोला जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा तो ये पहला है एस आर बोम्माई इसके सारे मैंने नोट्स भी लगा दिए रिवाइज वहाँ से आप कर लेना तो दिस इज एस आर बोम्बाई सेकेंड सरकारिया कमीशन आया सरकारिया कमीशन क्या था सेंटर और स्टेट रिलेशन्स के बीच में था तो इसने बोला डिग्निटी ऑफ राजभवन भी हो ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाए जो, जो पॉलिटिकल नहीं हो या उस राज्य की पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व नहीं हो तो वो ज़्यादा न्यूट्रल होकर अपनी ड्यूटी डिलीवर कर पाएगा उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो वो डिटेच्ड हो ये चीज़ें सरकारिया कमीशन ने बोला इसने ये भी बोला कि अपन यूनिवर्सिटी में चांसलर बना देते हैं गवर्नर को तो क्या ये रेगुलर है इसमें चीफ मिनिस्टर का भी कंसल्टेशन होना चाहिए लाइक like दैट अब जो नेक्स्ट आता है वो फिर 66 में इससे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी आया था ऐसा सेकेंड ए भी आया है सेकेंड ए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ए में भी यही बोला कि गवर्नर को जैसे पाँच साल हो गए हैं तो उसके बाद ही शेल नॉट बी मेड एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट वरना कई बार क्या होता है क्विड प्रो क्यों हो जाता है इधर से पोस्ट हुआ गवर्नमेंट को फेवर किया गवर्नमेंट ने दूसरी पोस्ट दे दी तो ये चीज़ें नहीं हों ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सेकेंड ने भी बताया नेशनल कमीशन आया 2000 में इसने भी यही बोला सरकारिया कमीशन ने जो बोला था अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की एक फिक्स कर दो एक टाइम लिमिट कर दो एक कूल ऑफ पीरियड भी हो जाओ अक्सर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं टॉप ऑफिशियल्स वो रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बन जाते हैं किसी स्टेट का देर टू बी सर्टन कूल ऑफ पीरियड तो ये चीज़ था फिर पुंछी कमीशन आता है दो में इसने भी रीअफॉर्म किया सरकारिया कमीशन का कि टाइम के साथ जो गवर्नर की पोस्ट है इसमें बैलेंस बनाना जरूरी है न्यूट्रलिटी बनाना ज़रूरी है सेंटर का पपेट नहीं बनना चाहिए और इससे फ्रिक्शन नहीं आने चाहिए सेंटर और स्टेट में तो ये सब बातें हुआ उनछी ने तो ये भी बोला था कि जो चांसलर बनाया जाता है स्टेट यूनिवर्सिटी का गवर्नर को डी फैक्टो वो भी बंद की जाए प्रैक्टिस एडिशनल बर्डन रोल नहीं दे राजभवन को तो ये सारी चीज़ें हैं एस आर याद रखना है फर्स्ट ए याद रखना है सरकारिया कमीशन याद रखना है पुंछी कमीशन याद रखना है सेकेंड ए भी याद रखना है तो ये चीज़ें हैं ऑफिस ऑफ द गवर्नर इस पर ऑलरेडी हमने नोट प्रिपेयर कर लिया है ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप उसमें ऐड कर लेना दैट्स ऑल द रूल्स अराउंड गार्डियनशिप ऑफ माइनर अब कोविड नाइन्टीन हुआ तो हमने देखा बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हुए तो इनकी गार्डियनशिप का कैसे वे आउट होना चाहिए तो इस पर भी रूल्स अभी चेंजेस हो रहे हैं टू में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा था इशूइंग पासपोर्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अमेंडेड इनकम टैक्स रूल वॉज नॉट मैंडेटरी पेरेंट ये न्यूज कल भी हमने देखा था जब बात आई थी कि पासपोर्ट में किसका नाम लिखा है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी मैंडेटरी नहीं है कि फादर्स नेम हो मदर्स नेम भी वहाँ पे हो सकता है सिंगल पेरेंट तो ये गार्डियनशिप है जो हिंदू माइनॉरिटियन गार्डियनशिप एक्ट है उसके अंदर जो नेचुरल गार्डियन है ऑफ अंदू माइनर इज अ फादर एंड आफ्टर हिम द मदर सिमिलरली ऐसे केसेज आए थे गारंटीड ऑफ इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अभी इसमें व्यू पॉइंट नहीं बनाना है ये चीज अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है और इस पर अभी बहुत रैपिड प्रोग्रेस होने वाला है गार्डियनशिप ऑफ माइनर और दो रीजन है एक तो रीजन जो अभी बताया पासपोर्ट ने दूसरा कोविड नाइन्टीन रिलेटेड जो चैलेंजेस चेल, आए हैं तो द पॉइंट इज की बच्चे जो है इनके फ्यूचर को सेफ गार्ड करना शुड बी अब प्रायोरिटी लेट एस वेट इसको फिर से रीविजिट करेंगे अपन ये गेटिंग बैक होम सेफली जो इंडियन सिटीजन हैं उनको इवैकुएट किया गया है एंड दिस फॉल्सिफिकेशन ये क्या होता है टेंडेंसी कीप सम ऑफ सोशलेशन ज्यादातर स्टूडेंट देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप करते हैं अपना पी डी एफ आंसर लिख के बट वो वेबसाइट में अपलोड नहीं करते क्यों नहीं करते उनको डर लगता है सोशल बैकलेश पीपल ओपिनियन बनाएंगे जजमेंट पास करेंगे क्रिटिसिज्म करेंगे ये सब चीज़ें नहीं सोचना चाहिए यू डू वॉट इज बेस्ट फॉर यू एंड बेस्ट फॉर यू इज़ टू शेयर योर वर्क जब आप अपना वर्क ऐसे शेयर करते हो तो इन दी एंड सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको होता है सो शेयर योर वर्क और इस ब्लॉक से बाहर निकलो ऐसा नहीं है कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर वर्क इन देयर स्टडीज़ पॉइंट इज शेयर राइट एंड शेयर इससे अपनी रियली नाइस यही चीज आपको बहुत हेल्प करेगा एक्चुअल में यही चीज हेल्प करती है बहुत ओके okay? तो ये दो सवाल थे ये आंसर है के. पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेंटर और स्टेट रिलेशन का दूसरा था जोग्राफी ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर स्टेट और मेडिटेरेनियन शुभम ही सो रेगुलर सो कंसिस्टेंट एंड इज राइटिंग वेरी गुड आंसर्स अगेन दिस इज रियली गुड सी ये मेडिटेरेनियन है बस यही तो सवाल आ जाते हैं इधर से मैप से कुछ पूछ लेंगे बेलरिक क्या है इटली के साइड में कौन से सीज हैं सिसली का है नॉर्दर्न अफ्रीका में कौन से स्टेट्स हैं जो मेडिटेरेनियन के साइड में लाइक like दैट ये बहुत अच्छे से आपने बनाया है इसमें डेटा भी है कंटेंट भी है प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है वेरी गुड देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बोलना था तो पॉलिटी ज्यादा लिखना था और वही आपने शुरुआत से किया है टू फोर्टी फाइव टू टू सिक्स थ्री अब हेडिंग सब हेडिंग होना चाहिए लेजिस्लेटिव ओके एडमिनिस्ट्रेटिव देन आर्टिकल्स देन फाइनेंशियल वेरी नाइस एक्सलेंट आंसर धनाक्षी सी आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया दिस इज सो गुड इंडिया इज अ डायवर्स स्टेट एंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अस इंडिपेंडेंट वेरी नाइस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अब देखो कितने अच्छे से लिखा है तीन कैटेगरी क्या होती है दिस इज गुड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन वन टू थ्री फोर वेरी नाइस लजिस्लेटिव फाइनेंशियल इन कॉन्क्लूजन राइट दो पन्ने ही लिखना है पर लिखना है स्टार्ट करो स्टार्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है एंड यू हैव डन इट रियली रियली वेल ममता आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो सी और हैंड राइटिंग प्रजेंटेशन सो नाइस यूनियन ऑफ स्टेट बताया पैराग्राफ्स ऐसे ही छोटे होने चाहिए हेडलाइन अंडरलाइन करना चाहिए स्मॉलर सेंटेंसेस बनाना चाहिए हेडिंग सब हेडिंग यूज करना चाहिए सी दिस इज सो सिंपल यूनियन स्टेट कॉन्करेंट फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बताया आपने गुड फाइनेंशियल रिलेशन कितना अच्छा आंसर है दिस इज सो बैलेंस्ड वेरी गुड आशा आप तो नियर परफेक्शन पे आ रहे हो दिस इज़ रियली रियली गुड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेंट्रल स्टेट रिलेशन है नाइनटीन नाइनटीन नेहरू रिपोर्ट सी तो द आइडिया इज हम केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं हम उस पूरे टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं मॉडल्स ऑफ फेडरेशन तो पेरिफेरल नॉलेज भी बहुत मिल रहा है सी इसको प्रिपेयर करने के लिए कितना कंटेंट पढ़ना और उसको समराइज करना पड़ा होगा और बस टॉपिक तैयार हो गया कितनी स्पीड से तैयार हुआ दिस इज रियली नाइस वेरी गुड इस तरीके से अगर अपन देखें ना तो अपन ने लक्ष्मीकांत आधी बुक कवर कर लिए पिछले एक दो महीने में दिस इज रियली नाइस फाइनेंशियल रिलेशन ग्रांट इन एड्स सी परफेक्ट एक्सलेंट वेरी गुड ममता ये जो है आपने दिखाया दिस मैप को सी मैप वर्क शुरू में ही होना चाहिए आंसर लिख रहे हैं ना स्टार्टिंग में ही मैप आ जाना चाहिए ये मेडिटेरेनियन सी सी प्रेजेंटेशन इज सो नाइस वेरी गुड तो ये मैप है मेडिटेरेनियन सी सौम्य अगेन डे नंबर ट्वेंटी अब डे नंबर वन की कॉपी आप देखो डे नंबर ट्वेंटी की कॉपी देखो यू विल सी विजिबल इंप्रूवमेंट बस दिस इज दैट सिंपल मेडिटेरेनियन सी है एरिया बताया सी दिस मैप इज सो नाइस वंडरफुल वेरी गुड काजोल यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल मैप इज रियली गुड मैप वर्क शुरू में ही होना चाहिए जियोलॉजी क्लाइमेट वेरी नाइस आपने दूसरे एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे कवर कर लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताने थे आर्टिकल्स में हम सीधे आए हेडिंग सब हेडिंग यूज किया आप बहुत अच्छे से कर रहे हो मेन एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा करने वाले हो आशा दिस इज़ जोग्राफी ऑफ मेडिटेनियन सी सी दिस मैप इज सो एलेबोरेट वेरी वेल अब ऐसे हाथ से बनाया है ना ये चीज याद होगी ऐसे आप हजार वीडियो देख लो मेडिटेनियन सब ने एक्सप्लेन कर दिया जब तक खुद से नहीं करोगे वो चीज़ याद नहीं होती है सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप खुद से एक बार लिखो उसे वेरी नाइस देन दिस इज द मन ऑल राइट एग्जाम्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं कॉलेज के दैन अदिति दिस इज अगेन सो गुड कितने अच्छे से ये पूरा मैप बनाया है वेरी गुड और प्लस हमने इसके डिटेल्स भी बता दिए आकांक्षा आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो विधाई संबंध एंड ऑल विषय सारे आर्टिकल्स है वन बाय वन वंडरफुल दिस इज रियली गुड इससे देखना अभी सवाल आएंगे वित्तीय एंड ऑल वेरी गुड भूमध्य सागर अब ये मैप कितना अच्छा है इसको हमने एटलस में भी देखा मैप बनाया दिस इज रियली नाइस होमवर्क करना चाहिए से चीज़ें कंटेन रिटेन होती है कंसोलिडेट होती है और आपने बहुत अच्छे से इनको लेबोरेट भी किया है वंडरफुल मीनू दिस मैप वर्क इज़ अगेन रियली गुड मैप शुरू में ही होना चाहिए इंट्रोडक्शन बेस इन कंट्रीज जोग्राफी सी दिस राइट अप इज़ ऑल्सो रियली नाइस दैन गर्ल फ्रेंड ऑल बताया इन सबसे सवाल आते हैं मेन ज्योग्राफिकल फीचर तो सी हमारा पूरा टॉपिक ही तैयार हो गया मुजम्मिल आप भी बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हो इसी मेहनत से करना है हार्डवर्क ऑलवेज पेज सो दिस इज़ गुड ये थोड़ा स्कैन क्वालिटी अच्छा नहीं हुआ है तो विजिबल नहीं हो रहा है बट दिस इज रियली नाइस और दिस इज़ प्राइमरली फ्लो मेडिटरेनियन तो हमको बेसिकली मैप देखना था कॉन्टेंट पूरा देखना था इसका राइटअप देखना था इसी से सवाल उठ के आएंगे नियर बाय कोस्ट कौन सी है वेरी गुड रियली नाइस रत्ना प्रिया आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो दिस मैप इज़ रियली नाइस बहुत एलैबोरेट है ये देखो डायरेक्शन सेंस भी अच्छा आइडिया है यूरोप अफ्रीका अटलांटिक एंड एशिया वन बाय वन आपने सारे प्रिपेयर किए बेसिन कंट्रीज एंड ऑल वेरी गुड वेरी नाइस देन दिस इज नेक्स्ट वन टेरिटोरियल नहीं कंटिन्यूएशन में नहीं दिस इज नेक्स्ट वन सेंटर स्टेट रिलेशन हम ऑर्डर में जमाए जैसे फर्स्ट पहले आएगा है ना फिर ये सेकेंड तो फर्स्ट है लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव दिस रिलेशन फिर टेरिटोरियल ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिस स्टाइल इज गुड

फिर वन बाय वन तो हैडिंग सब हैडिंग कॉन्टेंट दैट सिंपल खुशबू यू आर अगेन डूइंग सो वेल आंसर में रेंज भी होता है और डेप्थ भी है अच्छा मेचोरिटी से आप आंसर लिख रहे हो दिस इज रियली गुड देन इसके बाद टेरिटोरियल एक्सटेंड बताया शेड्यूल एरिया गुड फिर ये यूनियन स्टेट कॉन्ट लिस्ट वेरी नाइस स्टेट लेजिस्लेशन सेंटर का रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव सेंटर एंड स्टेट ऑल इंडिया सर्विस तो सी पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो गया अब ये प्रिपेयर हो गया लिख के साथ ही साथ इसके कुछ एम भी सोल्व कर लो डन दिस इज़ दैट सिंपल अपने पुंछी कमीशन भी यहाँ पे मेंशन किया है वंडरफुल प्रियंका अब भी बहुत हार्ड वर्किंग हो और बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हो सेंटर स्टेट रिलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव तो द आइडिया इज टॉपिक भी प्रिपेयर हो और हमारा पूरा कॉन्टेंट भी हो जाए सी पूरा रिविजन हो गया यहाँ पर दिस इज रियली गुड कोऑप्रेशन ऑल इंडिया सर्विसेज मैं क्विकली कर रहा हूँ बिकॉज बेसिक्स आर ऑल राइट आप बिल्कुल राइट right डायरेक्शन में हो बस ब्रेक नहीं करना है कंटिन्यू करना है आप सक्सेस आपको मिलेगा ओके तो दिस इज रियली रियली नाइस विद डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज सी सो एलेबोरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ये सारा पी भी कंपाइलेशन रसेंद्र पी बना रहा है आई एल शेयर इट इन टेलीग्राम लेटर ओके देन दिस इज खुशबू सेकेंड वन है ये दिस मेडिटेरेनियन सी मैप वर्क इज़ गुड मैप को बॉक्स में बंद करना है अच्छे से और यहाँ पे अपन कुछ लाइक फिगर वन फिगर टू ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से भी लिखने का हैबिट बना सकते हैं दिस इज रियली इंपॉर्टेंट यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट सी है मेडिटेरेनियन हो गया और एक ब्लैक सी हो गया अब द गुड थिंग इज़ आपका राइट अप भी बहुत अच्छा है आपने एग्रीकल्चर इम्पैक्ट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी एक्सप्लेन कर दिया देन दिस इज प्रियंका दिस मैप इज़ गुड मेडिटेरेनियन सी लोकेशन सी पूरा मैप तैयार हो गया इतने अच्छे से ये काम है ना दो या तीन दिन का काम है जिसको हमने एक दिन में किया है वेरी नाइस देन आरती यू आर अगेन डूइंग सो वेल लजिस्लेटिव हुआ टेरिटोरियल एक्सटेंट ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर स्टेट रिलेशन इससे सवाल बनेगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताने थे योर कॉपीज वेरी नीट एंड क्लीन रेडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है वेरी गुड राम नरेश यू आर अगेन डूइंग सो वेल डे नंबर फिफ्टी टू वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सी कितना आसानी से ये कॉपी पढ़ने में आ रही है पहली दो लाइन फिर अंडर लाइन ये चीज सीखें सब सेंटर स्टेट रिलेशन वन टू थ्री लेजिस्लेटिव कंटेंट भी अच्छा है और कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है मेंस में इस कॉपी में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे तो दिस इज रियली गुड डिस्क्रिशनरी कॉन्क्लूजन वेरी नाइस मीनू फेडरलिज्म से स्टार्ट किया आपने यू आर डूइंग सो वेल सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव कितना आसान है हेडिंग सब हेडिंग आर्टिकल्स कंटेंट पढ़ो अच्छे से उस टॉपिक को और उसको अच्छे से लिख दो ये सब चीज़ तैयार हो गया आपका वेरी गुड बहुत एलाबोरेट वे में आपने सारे आर्टिकल्स बता दिए वंडरफुल रिया यू आर अगेन डूइंग सो वेल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बताने थे सी अब दिस स्ट्रेटेजी इज गुड शुरू में लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल एक आउटलाइन दे दिया इन इन आर्टिकल्स में है फिर वन बाय वन उसको एक्सप्लेन किया टू द पॉइंट है इसी तरीके से आप करो आप भी मेन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करोगे राइटिंग इज़ क्लीन एंड यू आर राइटिंग इट रियली रियली वेल लैंग्वेज प्रोफिशेंसी भी बहुत अच्छा है आपका जोग्राफी में मेडिटेरेनियन सी बताया फिजिकल जोग्राफी गुड कोऑर्डिनेट्स ओके ये सी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अपने एटलस में अच्छे से देखना है स्टिकी नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं इस पेज को भी अपने एटलस में ऐड कर ले मेडिटेरेनियन सी राम नरेश आज का मैप बहुत अच्छा बनाया है दिस इज मेडिटेरेनियन सी वेरी गुड पुश यू आर अगेन डूइंग सो वेल डे नंबर थर्टी टू लजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सी नीट एंड क्लीन सब अच्छे से लिखा है आर्टिकल पॉइंट फाइज वेरी गुड देन टू नाइन नाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आगे और रिवाइज़ करना है अच्छे से बनानी आप भी बहुत अच्छे से करो शुरू में एक दो लाइन लिख सकते हैं ऐसा भी नहीं है कि हमें डायरेक्ट मैप बनाना है न राइड वन और टू लाइन अबाउट दिस मेडिटरेनियन सी देन स्टार्ट विद दिस मैप सो दिस मैप इज रियली गुड मेडिटरेनियन सी सबसे इम्पॉर्टेंट आज की डेट में जो सी है ना तो वो एक तो मेडिटेरेनियन हुआ और दूसरा ब्लैक सी हुआ लोकेशन बताना था आइलैंड्स सब यहाँ पे वन बाय वन बताया दिस स्ट्रैटेजी इज गुड हेडिंग सब हेडिंग अंडरलाइन भी है वेरी नाइस दिस इज इम्पॉर्टेंट इसको अच्छे से रिवाइज करना है और जो आपका एटलस है उसमें इसको एड भी करना है मेडिटरनियन कुश रियली वेल देन ये अच्छे से आपने बताया इसको भी एटलस में अच्छे से देखना है एक गूगल अर्थ करके ऐप आता है उसको इंस्टॉल कर लो और टाइम टू टाइम उसको देखा करो गूगल अर्थ विशाल दिस इज गुड स्ट्रैटेजी इज गुड पहले वर्ल्ड मैप बना है वर्ल्ड मैप भी अच्छा है आपका आपका वर्क बहुत अच्छा है दिस इज गुड फिर ये आपने मेडिटरेनियन बताया दैन ट्राई टू पोस्ट इट इन से पोर्ट्रेट तो दिस इज़ गुड रसेंद्र यू आर डूइंग सो वेल एंड यू आर एवरी डे प्रिपेयरिंग पी डी एफ एज वेल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ऐसा है नॉट अ कॉम्बिनेशन वेरी गुड हाइवर जैनिंग के जो स्टेटमेंट्स हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के अगर शुरू में लिख देते हैं ना दिस इज रियली नाइस रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेशन देन गुड ये स्टाइल अच्छी है रिविजन में भी बड़ा हेल्प होगा एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल एंड फोर पॉइंट फाइव वे फॉरवर्ड वेरी गुड डिस आज के आर्टिकल में भी जो पढ़ा ना कि कैसे रिलेशन को और बेटर किया जाए बेटर किया जाए इज द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव था गुड डे नंबर नाइन देन लजिस्लेटिव एग्जीक्यूटि गुड स्ट्रैटी दिस इज नाइस पार्लियामेंट्री लजिसंस वेरी यू आर ऑन द राइट ट्रैक इसी तरीके से अच्छे से पढ़ना है शीतल दिस इज मेडिटेरेनियन सी ये ना सारे एक बार हम राज्य भी बता देते हैं यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज हैं मेडिटेरेनियन सी बताया आपने गुड बेसिन कंट्रीज अच्छा बाद में बताया है देन कनेक्ट गुड देन आईलैंड कौन से हैं ये पूरा जोग्राफी मेडिटेरेनियन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओके okay? सो so इसी तरीके से करना है इसका पी डी एफ आईल शेयर लेटर ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ